जी। हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूनिक होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने चेहरे की झाइयां, झुर्रियां, दाग धब्बों को दूर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये नुस्खा बहुत ही कारगर नुस्खा है। इसके इस्तेमाल से आप अपने चेहरे की चमक फिर से पा सकते हैं, आप अपने चेहरे को फिर से ग्लोइंग बना सकते हैं, जो आपने पॉल्यूशन की वजह से सब खो दिया था। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक ब्रू कॉफी की जरूरत होगी। यहाँ पे मैं ब्रू कॉफी ले रही हूँ, आप कोई भी कॉफी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे एक क्लीन बाउल, इसके अंदर ऐड करेंगे कॉफी पाउच, और दूसरी चीज यहाँ पे मैं ले रही हूँ हनी। तो यहाँ पे आधा चम्मच यहाँ पे मुझे हनी ऐड करना है, और तीसरी चीज मुझे यहाँ पे लेनी है वो है जीरा। तो यहाँ पे हमें फ्रेंड जीरा साबुत नहीं लेना है, इसका पाउडर बना लेना है, यानी कि एक चम्मच आपको जीरा लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने जीरा ले लिया है, तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं पानी की सहायता से इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लूंगी। ये देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसका एक कितना प्यारा सा स्मूथ पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है, और ये आपको बनने के बाद कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे किस तरीके से लगाना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद आपको एलोवेरा से अपने फेस की 5 मिनट तक मसाज करनी है। ये देखिए इस तरीके से आपको लेना है, उसके बाद आपको अपने पूरे फेस की इस एलोवेरा से अच्छे से मसाज करनी है। फ्रेंड्स, एलोवेरा एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है, इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी होती है, जो त्वचा की झुर्रियां और झाइयों को हटाकर चेहरे पर एक नया ग्लो लाती है। 5 मिनट तक आपको अच्छे से मसाज करने के बाद आपको अपने फेस को वॉश कर लेना है, उसके बाद आपको ये पेस्ट लेना है और अपने फेस पर इससे अच्छे से मसाज करनी है। ये देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स, आपको मसाज नीचे से ऊपर की ओर करनी है, ऊपर से नीचे की ओर नहीं करनी है, जिससे कि आपकी स्किन लटक जाएगी। तो आपको नीचे से ऊपर की ओर करनी है, जिससे कि आपकी स्किन टाइट होगी। तो 5 मिनट तक ही मसाज करनी है, उसके बाद आपको अपने फेस को ठंडे पानी से वॉश कर लेना है, और उसके बाद आप देखेंगे आपके फेस पर बहुत अच्छा ग्लो दिखेगा आपको, और साथ ही साथ धीरे धीरे आपकी जो फेस की जो झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, वो रिमूव होने लग जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेमेडी, आई होप आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई आपके लिए नई वीडियो लाऊं तो आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।